झुंझुनू जिले में रामेश्वर वाल्मीकि की हत्या के मामले में वाल्मीकि समाज में अब आक्रोश है, जिसका असर धौलपुर में देखा जा रहा है। और इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर दोषियों को फांसी की सजा और परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष मोहनलाल थनवार ने बताया कि झुंझुनू जिले के बलौदा गांव में दबंग शराब माफियाओं ने युवक रामेश्वर की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपियों की हैवानियत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि रामेश्वर वाल्मीकि के साथ हुई घटना में मानवता कलंकित हुई है। वाल्मीकि और दलित समाज के लोग लगातार निशाने पर बनाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के बयान का विरोध हो रहा है। बयान को लेकर छात्र संगठन एसएफआई ने आंदोलन शुरू कर दिया है और झुंझुनू में एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर और जिलाध्यक्ष अनीश घायल ने के नेतृत्व में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदेश के अंदर जब से नई सरकार बनी है, बनने के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करवाएंगे और बंद भी इसलिए करवाएंगे क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि ये सरकार का काम है कि स्कूलों के अंदर टेबल कुर्सी लगवाना, स्कूलों के भवन बनवाना, स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारना। राजस्थान के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं इंग्लिश मीडियम जिनके अंदर 50 सीटें हैं लेकिन आवेदन वहाँ 500 आते हैं। एक IAS का बेटा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब तबके का जो विद्यार्थी है जो मोटी फीस देकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ा सकता लेकिन वो सरकारी अंग्रेजी माध्यमों के अंदर शिक्षा दिला सकता है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुदृढ़ करके, मजबूत करके उनको सुचारू रूप से शुरू किया जाए। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे कि भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनको बंद किया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप नए विद्यालय खोल ही नहीं सकते तो पुराने जो पुरानी सरकार ने जो चालू किए हैं, जो शिक्षा की एक मुहिम चालू की है, उसको बंद करने का काम कम से कम ना करें। यह सरकार, बीजेपी सरकार, हमेशा से शिक्षा के विरोधी सरकार रही है क्योंकि अगर ये जानती है अगर विद्यार्थी, आम विद्यार्थी, गरीब तबके का विद्यार्थी पढ़ लिख के जाएगा तो इनसे अपने रोजगार के सवाल पे, अपने शिक्षा के सवाल पे इनसे सवाल जवाब करेगा जो इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि छात्र संगठन SFI ये मांग करती है केंद्र की बीजेपी सरकार से और राज्य की बीजेपी सरकार से कि आने वाले समय में इन विद्यालयों को बंद ना करके इनमें शिक्षा को सुचारू रूप से चालू किया जाए।